बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आईटी बेस में खुश आमदेद दोस्तों। एडोब फोटोशॉप CS6 क्लास नंबर 22 के साथ मैं अमीर अनसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एडोब फोटोशॉप के एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर यानी लेयर्स पर काम करना सीखेंगे। जिस तरह एक कंसेप्ट है कि लेयर पर काम करना कोई बहुत मुश्किल काम है और इसकी ब्लेंडिंग क्या है और मास्किंग क्या है, तो एक स्केरी सा पिक्चर पेश किया गया है इसका। मगर मैं आज आपके साथ इतनी आसान और ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने लेयर्स का कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी के साथ सीख जाओगे और मज़ीद आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। मगर आपने मैं दो रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो ये कि आपने क्लास को पूरा देखना है और कम से कम एक मर्तबा आपने इसको ऑनलाइन वॉच करना है, और दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि वो दोस्त जो अभी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि मुझे आप लोगों को मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको खुद ही नोटिफिकेशन आती रहे मेरे वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट जो कि बिल्कुल प्लेन है और इसकी जो अभी इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं है। आप बेशक न्यू डॉक्यूमेंट खोलें या न्यू पिक्चर लेकर आए, आप इस साइड पे ये जो लेयर पैनल है, आज हमारी पूरी जो क्लास है वो इस पैनल पर होगी, लेयर के पैनल पर। तो आप देखते होंगे कि बैकग्राउंड हमेशा लॉक्ड होता है। दूसरा, ये तमाम जितने भी फीचर्स हैं लेयर्स के वो इसमें ऑफ होते हैं। इसके बाद अगर हम कोई नई लेयर शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी लेयर की कॉपी ले लूँ कंट्रोल जे करके, तो फिर ये तमाम फीचर जो है वो ऑन हो जाते हैं। इन पर अभी हम बात करेंगे, मगर मैं एक दो चीज़ों का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर कर दूं। ये एक इसी लेयर की कॉपी है और इसमें वाइट कलर है, याद रखिए इसमें क्या है, वाइट कलर है। मैं डिलीट कर देता हूं इस लेयर को। अगर लेयर को डिलीट करना हो तो सिंपली इसको आपने होल्ड करके ड्रैग करना है और ये जो आइकन है ट्रैश का, इसमें आपने इसको लेकर आना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये तो एक कलर वाली यानी वाइट कलर वाली लेयर हमने बनाई थी, इसको कॉपी बैकग्राउंड लेयर को कॉपी करके, अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करना है, और मेन्यू में अगर आप आएंगे तो न्यू, और यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट एन, साथ लिखा भी हुआ है न्यू लेयर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे आगे मांगेगा कि लेयर का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। हम इसको फिलहाल कुछ भी नहीं रखना चाहते और ना ही हम इसका कोई कलर रखना चाहते, सिंपल एक लेयर दे दें जो कि बिल्कुल एम्प्टी हो और इसमें कुछ भी ना हो। ये आप देख सकते हैं ये डॉटेड, ये जाहिर करती है कि ये बिल्कुल ही एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। सो हमने ये सीख लिया कि वाइट कलर और ट्रांसपेरेंट अलग अलग चीज़ें हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है ये अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस पैनल के मुताबिक हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मैं इस तरह करता हूं कि इस बैकग्राउंड लेयर पर मैं कुछ लिख देता हूं और ब्रश से इस पर मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड बीजी लेयर फॉर एग्जांपल। आप कुछ भी समझ लें, अगर मैं इधर तस्वीरें वगैरह लेकर आऊँगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगी। सो पहले मैं बहुत ही सादा जुबान में आप लोगों को लेयर का कंसेप्ट समझाता हूँ। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर थी, इसमें हम मज़ीद कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करना चाहें भी तो इसको मैं, अगर ये जो जहाँ पर लॉक का निशान बना हुआ है, अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूँ तो इसको मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मगर फिलहाल मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता। मैं इसी के ऊपर एक और लेयर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन करके, तो ये हमारे पास एक नई लेयर बन गई। अब इसमें भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, किस कलर से, मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से इसमें लिखना चाहता हूँ लेयर वन। अब मैं एक और भी लेयर बनाना चाहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, ये हमारी दूसरी लेयर भी हो गई। इस पे भी मैं कुछ ब्लू कलर में लिख देता हूँ लेयर टू। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरतीब से मैं लिख रहा हूँ उसी तरतीब से वो जो पिछली वाली थी वो बैक में जा रही है और बैकग्राउंड तो सबसे एंड पे है। आप इन लेयर्स की विजिबिलिटी को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो साइड पे आई का निशान बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आखिरी लेयर को देखना चाहता हूँ, इन दोनों को ऑफ करना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये हमारी लेयर टू है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लेयर वन को विजिबल करना चाहता हूँ तो ये हमारी लेयर वन है, बाकी ऑफ है। अगर मैं लेयर वन लेयर टू को ऑन कर रहा हूँ
तो ये आप देख सकते हैं कि लेयर टू नीचे है, लेयर टू ऊपर है और लेयर वन जो है वो नीचे है, इस तरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप सबसे नीचे वाली जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको भी आप विजिबल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, बैकग्राउंड लेयर को मैंने ऑफ कर दिया, मैं चाहता हूँ कि जो लेयर वन है वो ऊपर आए और लेयर टू नीचे चली जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने लेयर वन को पकड़ लेना है और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि लेयर वन जो है वो ऊपर आ गई और लेयर टू जो है बैक पे चली गई। इस तरह आप इनकी तरतीब को ऊपर नीचे, कितने भी लेयर्स हो, आप इनकी तरतीब को ऊपर नीचे करके चीज़ों को अप या बैक पे लेकर जा सकते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पर कुछ चेंजेस लेकर आना चाहूँ, जैसे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कुछ मूव वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये मैसेज आ रहा है कि कुड नॉट यूज़ मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। अगर मैं इस लेयर पर कुछ काम करना चाहूँ तो आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पर ये आपको कह रहा है लेयर ज़ीरो, और ओके कर देना है। अब ये एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब नॉर्मल लेयर वाली जितनी भी जो टूल्स थे वो यहाँ पर भी विजिबल हो गए। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं लेयर ज़ीरो को बिल्कुल टॉप पे रखना चाहता हूँ तो क्या होगा कि पीछे जितनी भी लेयर्स थी वो तमाम की तमाम हाइब हो गई, क्योंकि इस लेयर में ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ये कलर है, बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट कलर नहीं है बल्कि ये एक वाइट कलर है। जबकि इन दो में आप दोनों लेयरों को देख सकते हैं, तो वजह यह है कि ये जो हिस्सा है जहाँ पर ये आपको डॉटेड डॉटेड नज़र आए, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई कलर है, आप इसमें सी थ्रू कर सकते हैं, इसके बैक पर भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपने ये सीख ली कि आप चीज़ों को अप डाउन, यानी लेयर को अप डाउन अगर करना हो तो आप सिंपली लेयर को पकड़ लें और उसको ऊपर नीचे जैसे ही लेकर जाएंगे, जो ऊपर वाली लेयर होगी वो टॉप पर आएगी, जो दरमियान में होगी वो उसके बाद होगी, और जो बैकग्राउंड की होगी वो सबसे निचली लेयर होगी। अच्छा, यहाँ तक तो आपने ये सीख लिया कि लेयर क्रिएट किस तरह करते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर और वाइट बैकग्राउंड वाली या सिंपल लेयर में क्या फ़र्क होता है, लेयरों को मूव किस तरह करते हैं, उसको डिलीट किस तरह करते हैं। तो अभी ज़रा कुछ और चीज़ें देखते हैं लेयर से मुतालिक। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को ही क्लोज कर देता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इसको मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये बकेट से हमने इसको फिल कर दिया और ये हमने बैकग्राउंड को कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पर उन दोनों लोगों को लेकर आता हूँ, एक JPG में और एक PSD में। JPG एक नॉर्मल फाइल होती है कि जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट होता है, और PNG वो इमेज होता है कि जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। तो इनका फ़र्क ज़रा देखते हैं। मैं पहले लोगो JPG फाइल को लेके आता हूँ और साथ ओपन कर देता हूँ अपना जो PNG वाला है उसको भी। ये हमारे पास यहाँ पर दो आ गई है, ये लोगो और ये लोगो, इसका ट्रांसपेरेंट है और इसका वाइट बैकग्राउंड है। ये हमारा मेन कैनवस है जिस पर हमने इनको लेकर आना है। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, अगर किसी डॉक्यूमेंट किसी पिक्चर को आपने कैनवस पर लेकर आना है तो सिंपली आपने क्या करना है, मूव टूल को सेलेक्ट करना है या सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी करना है। मैं सिंपली मूव टूल को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से मैंने इसको माउस को क्लिक किया और ड्रैग किया यहाँ तक। अब जहाँ पर मैंने इसको लगाना है वहाँ पर ले आया और यहाँ पर इसको छोड़ दिया। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैंने करके थोड़ा छोटा करके यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। अब जो मेरा दूसरा लोगो है जो कि ट्रांसपेरेंट है उसको भी मैं लेके आता हूँ, यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग किया यहाँ पर ले आया और यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अभी आपको फ़र्क का पता चल चुका होगा कि ट्रांसपेरेंट लेयर में या ट्रांसपेरेंट पिक्चर में या PSD में या दूसरे लफ्ज़ों में जो PSD फाइल होती है उसका बैकग्राउंड चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो बैक की चीज़ें हमें विजिबल होती है। यहाँ पर भी वही है कि हमें बैक
पर जो बैकग्राउंड लेयर का कलर है वो हमें विजिबल है, जबकि इसमें आम जेपीजी फाइल में नहीं होता। सो आपने इंटरनेट से अगर कोई चीज़ डाउनलोड करनी है और उसको आपने इस तरह पेस्ट करना है कि बैकग्राउंड नज़र आए, तो आपने ये ख्याल रखना है कि हमेशा PSD फॉर्मेट में या SVG फॉर्मेट में डाउनलोड किया करें, तो उसमें बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और आप बैक पर जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आती है। सिंपल JPG फाइल में बैकग्राउंड जो है वो वाइट होती है। अब मैं इनको भी क्लोज करता हूँ। अब एक न्यू इमेज को मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर और मज़ीद ऑप्शंस हम इसकी सीखने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे सिंपली मैं ये एक पिक्चर ले आता हूँ और मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इस लेयर के ऊपर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इस मरतबा क्रिएट करता हूँ लेयर को। ये एक न्यू लेयर हमारे पास क्रिएट हो गई। अब मैं एक ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पर किसी और कलर से कुछ ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सिंपल ये मैंने इसको ड्रा कर दिया, यहाँ पर एक कलर मैंने ड्रा कर दिया। अब याद रखें कि ये जो मैंने ब्रश यूज़ किया ये मैंने लेयर वन पे किया और बैकग्राउंड लेयर पर नहीं किया, तो ये कलर आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेयर वन के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए, इसमें सबसे पहले जो है वो ओपेसिटी का है। ओपेसिटी से मुराद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो है। अगर इसकी ओपेसिटी को मैं डाउन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो कलर है वो कम पड़ गया कम पड़ गया, और अगर हम इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो बिल्कुल ही जो लेयर वन है वो हाइड हो जाएगा। अगर इसको हम 100 पे रखेंगे तो वो पूरी तरह से विजिबल होगा, मिड में रखेंगे तो वो दरमियाना कलर आपको शो करेगा। सेम फिल का ऑप्शन भी यही काम करता है। इसकी ज़रूरत हमें ब्लेंडिंग वगैरह में पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लें कि ओपेसिटी और फिल एक जैसे काम करते हैं। इन दोनों में फ़र्क है, वो जब हम ब्लेंडिंग में आएंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी लॉक्स हैं। ये लॉक कौन से हैं? अब इसमें जो पहला लॉक है वो है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल से मुराद ये है कि जब हमारे पास ये लेयर थी, ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है इसको ये लॉक कर देगा, इस पर फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लॉक लगाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और कलर अभी करना चाहता हूँ, जैसे रेड कलर में करना चाहता हूँ ब्रश से। अब मैं इस एरिया में ब्रश पेरता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस एरिया में आता हूँ जो ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि जिस पर कलर है, तो इसने कलर करना शुरू कर दिया और आगे पीछे ये कलर नहीं कर रहा। सो ये लॉक इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है लॉक इमेज पिक्सल। यहाँ पर जो इमेज बना हुआ है अगर इसके पिक्सल को हमने लॉक करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो हम नहीं कर सकते। हाँ, इसको अगर मैं मूव टूल के साथ मूव करना चाहूँ तो हम इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पर मैं ब्रश वगैरह यूज़ करूँ तो ब्रश हम यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ये हमें एरर मैसेज दे देता है कि आप ब्रश टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह इससे पहले जो ट्रांसपेरेंट लॉक का था उसमें भी हम मूव टूल को यूज़ कर सकते हैं, उसमें ब्रश सिर्फ लॉक हो गया था ट्रांसपेरेंट एरिया के लिए और जो पिक्सल वाला एरिया था वहाँ पर ये चल सकता था। सो फ़र्क आपको समझ में आ चुका होगा कि ये ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक करता है, ये वो एरिया जहाँ पर हमने काम किया हुआ है, जहाँ पर फोटोशॉप को कुछ पिक्सल नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ उसको लॉक कर रहा है। उसको आप मूव तो कर सकते हैं मगर उसके ऊपर आप कोई पेंटिंग या कोई ड्राइंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है मूव का, कि इसको आप मूव भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको लॉक लगाएंगे तो आप इसको मूव नहीं कर सकेंगे। मैं नीचे वाली लेयर को भी विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये इसको आप मूव नहीं कर सकते मगर इसमें आप दूसरे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्रश यूज़ करना चाहूँ यहाँ पर तो मैं ब्रश को यूज़ कर सकता हूँ आसानी से। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लॉक ऑल। जैसे ही आप लॉक ऑल करेंगे आप की तमाम जो एक्टिविटीज़ है वो ब्लॉक हो जाएगी, आप ना मूव कर सकेंगे ना इस पे कलर वगैरह कर सकेंगे और ये पूरा जो आपका लेयर है ये लॉक हो जाएगा। सो मुझे यकीन है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो लॉक से ट्रांसपेरेंट से मुराद कि ट्रांसपेरेंट एरिया लॉक हो जाएगा, जो पिक्सल वाला एरिया है उसमें आप कलर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसमें कलर वगैरह कर सकते हैं। जो पिक्सल वाला जो लॉक है उसमें
आपका जो पिक्सल वाला एरिया है वो लॉक हो जाता है और उसको आप मूव वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद है मूव वाला लॉक। तो मूव लॉक में ये है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन बाहर बाकी जो ऑपरेशन है वो आप कर सकते हैं। और लॉक ऑल से मुराद कि तमाम जो आपके ऑपरेशन है वो लॉक हो गई है। मैं अंडू कर देता हूँ इन चेंजेस को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडिंग मोड्स और ब्लेंडिंग ऑप्शन में फ़र्क होता है। ब्लेंडिंग मोड पर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाता हूँ। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।